जिला कुपवाड़ा में बीजेपी वर्करा ने जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर की क्यादत में चीन के खतरनाक रवैया के खिलाफ शदीद एहतजाज व नाराबाजी की। इस दौरान उन्होंने पतले भी जलाए। उन्होंने कहा कि चीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान आते हैं उनको तमाम लोग बायकॉट करेंगे। उन्होंने कहा कि वक्त आया है कि हिंदुस्तान चीन को जल्द ही सबक सिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके अर्ली न्यूज। ये पूरे विश्व को मालूम है कि चीनी नापाक खोजू ने आज हमारी भारत माता की ज़मीन पर अपने नापाक कदम रखे हैं। ये चाइना के लिए एक चेतावनी है। जम्मू कश्मीर के लोग और ख़ासकर जिला कुपवाड़ा के लोग इस मजहमत के खिलाफ सपारा खड़ा है और हम चीनी फौजी के खिलाफ कोई भी एक्शन अगर भारत ले सकता है, अगर हमारे वज़ीर आज़म कोई भी एक्शन उनके खिलाफ कर सकता है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, तो हम उसके साथ खड़े हैं। शाना बशाना अपने वीर फौजी जवानों के साथ खड़े हैं और किसी घुसपैठिया को हम अपनी सरजमीन पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज ये प्रदर्शन हमने किया, चाइना को एक मैसेज दे दी कि जम्मू कश्मीर का आवाम आप लोगों के खिलाफ है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। कोई पता ही है फिर क्या करती है हमारी फौज, क्या करती है तो वो घुस के मारती है फिर। और हमारी फौजी, हमें उनके मनोबल पर बिल्कुल विश्वास है। हमारे वीर बहादुर जवान इस वक्त सक्षम हैं, तैयार बैठे हैं, सिर्फ हुकूम का इंतज़ार है। लेकिन हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं। दोनों मुल्क अमन से रहना चाहते हैं, तो चाइना ने उस मुल्क को ख़राब करने की कोशिश की, तो लेकिन हम उनके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। फिर जब हमारी यहाँ पे कोई भी कोशिश होगी, कोई जहरत होगी, वो बड़ी जहरत होगी और उनका दलदान शख्स सब जवाब देने के लिए तैयार है। आपका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? प्रदर्शन तो आज दिन तक हमारा कार्य था, आज कर दिया हमने, हंदवाड़ा में भी कर दिया तो कुपवाड़ा में भी कर दिया। तो ये एक सिस्टम चला है, जो हमारे पास प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम करते रहेंगे और तब तक हमारे जहन में ये रोश होगा, ये जज्बा होगा कि जो भी हमारे धरती में नापाक कदम रखेगा तो उन कदमों को हम काट के रख देंगे।